हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है संधियों की गति यानी जॉइंट्स मूवमेंट्स। इससे पहले मैं जॉइंट्स के बारे में बताई थी, आज संधियों की गति यानी जॉइंट्स के मूवमेंट के बारे में बता रही, यानी कि जोड़ों के द्वारा जो गति की जाती है उसे ज्वाइंट्स मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे ज्वाइंट क्या होता है, दो हड्डियों के जोड़ को ज्वाइंट्स कहते हैं, और ज्वाइंट्स मूवमेंट्स क्या होता है, जोड़ों के द्वारा जो गति की जाती है ज्वाइंट्स मूवमेंट्स होता है। ये चार प्रकार की होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट एंड सर्कमडक्शन मूवमेंट। पहले हम बात करेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट की। ग्लाइडिंग यानी सरकने वाली, जो हड्डियाँ एक दूसरे पर सरक हुई गति करती हैं, जैसे कि कार्पस और टार्सस, यानी हाथ के कलाई में जो कार्पस, आठ हड्डियां कार्पस पाई जाती हैं, और पैर के टखने में जो टार्सस यानी सात हड्डियां टार्सस की पाई जाती हैं, इसके जोड़ जो है यहाँ पे जो गति होती है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि एक दूसरे पर सरक की गति होती है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। इसमें कार्पस और टार्सस ज्वाइंट आता है, ठीक है। और इस ग्लाइडिंग मूवमेंट को नॉन एक्सियल ज्वाइंट भी बोलते हैं, यानी कि ये किसी अक्ष में गति नहीं करता है, नॉन एक्सियल ज्वाइंट, ठीक है। एंड इसे प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है, दूसरा है एंगुलर मूवमेंट यानी कि कोणीय गति, ठीक है। एंगुलर मूवमेंट यानी कोणीय गति, यानी कि हड्डियों के बीच का कोण बढ़ना और घटना, यानी कि दो हड्डियों के बीच का कोण घटना बढ़ना, ठीक है। जैसे इसमें दो प्रकार की मूवमेंट्स आते हैं, गति आती है। पहला है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दूसरा है एबडक्शन एडक्शन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होता है यूनिएक्सियल प्रकार की गति है, ठीक है। यूनिएक्सियल यानी कि एक, यूनि मतलब एक, यानी कि एक अक्ष में गति होती है, तो इसलिए इसको यूनिएक्सियल प्रकार की गति कहते हैं, यानी एक तल में गति चाहे एक अक्ष में गति, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होता है वो सेजिटल प्लेन में होता है, यानी सेजिटल तल में या प्लेन में, ठीक है। कैसे होता है, मैंने प्लेन और एक्सिस में ये सब बता दिया है कि सेजिटल प्लेन जो हमारे शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और उसमें गति जो है आगे पीछे होती है, इसलिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है सेजिटल प्लेन में होती है, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन गति सेजिटल प्लेन में होती है। फ्लेक्शन का मतलब होता है कोण का कम हो जाना, ठीक है। जैसे हमारा नी फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, यानी फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, यानी कोण का कम हो जाना। एक्सटेंशन मतलब वापस पहले वाले स्थिति में आना, प्रसारण करना, ठीक है। तो यानी कि नी एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्सटेंशन मतलब कोण का बढ़ जाना, फ्लेक्शन मतलब कोण का कम हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दूसरा है एबडक्शन एडक्शन, यानी कि बायएक्सियल व मल्टी एक्सियल प्रकार की जोड़ है, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक अक्षीय तल में गति करती है ये, ठीक है। और ये गति किस में होती है, फ्रंटल तल में यानी फ्रंटल प्लेन में। फ्रंटल प्लेन क्या करता है, हमारे शरीर को आगे पीछे बांटता है, और गति जिसे उसमें जो गति होती है फ्रंटल प्लेन में वो दाएं बाएं गति होती है। दाएं बाएं गति होती है यानी कि आप एबडक्शन एडक्शन प्रकार की गति फ्रंटल तल में यानी फ्रंटल प्लेन में होती है, ठीक है। एबडक्शन का मतलब होता है कि शरीर से कोण का मतलब होता है कोण का बढ़ना, ठीक है। यानी हाथ ऊपर शोल्डर तक उठाना, ठीक है। इसमें हाथ ऊपर शोल्डर तक उठाना क्या हुआ, एबडक्शन हुआ। फिर इसको वापस लाना अपने शरीर की तरफ, यानी कोण का घट जाना, एबडक्शन हो गया। यानी एबडक्शन में कोण बढ़ता है और एडक्शन में कोण कम होता है, यानी शरीर की तरफ आता है वापस अपनी स्थिति में, ठीक है। यदि हम एबडक्शन में हाथ को अपने शोल्डर तक उठाते हैं तो एबडक्शन हुआ, शोल्डर से भी और ऊपर उठाते हैं तो हाइपर एबडक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब और ज्यादा, हाइपर मतलब कम, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट है रोटेटरी मूवमेंट, यानी जिसमें घूर्णन गति होती है। ये रोटेटरी मूवमेंट में जितनी भी गतियां होती हैं वो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। जैसे कि मैं प्लेन एक्सिस में बताई हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितनी भी रोटेटरी यानी कि घूर्णन
गतियां होती हैं सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, यानी ये भी मल्टी एक्सियल प्रकार की जोड़ होती है, यानी कि कई तलों में गति होती है। तो यह जो है 5 प्रकार की होती है। पहला है इन्वर्सन इवर्सन। इन्वर्सन का मतलब, यानी कि इसको हिंदी में विपरिवर्तन भी कहते हैं। इन्वर्सन इन का मतलब अंदर, शाब्दिक अर्थ से यानी इन्वर्सन, यानी इन मतलब अंदर, यानी पैरों के पंजों को अंदर की तरफ मोड़ना, यानी मध्य रेखा की तरफ मोड़ना। जैसे हमारा ये पैर है, पैर को हम अपने अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया। उसी तरह इवर्सन यानी इवर्जन जो है, ये पैर के पंजों को बाहर की तरफ मोड़ना। इन्वर्सन पैर के पंजों को अंदर की तरफ यानी मध्य रेखा की तरफ मोड़ना, इवर्जन पैरों के पंजों को बाहर की तरफ मोड़ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा है सुपाइनेशन प्रोनेशन। सुपाइनेशन जिसे उत्तानन भी कहते हैं, यह होता है कि पीठ के बल लेटने की स्थिति, जैसे कि पीठ के बल लेट गया, मुंह ऊपर की ओर आसमान की तरफ देख रहा है, आंखें ऊपर की ओर, ठीक है करके, यानी कि जो हमारी हथेलियां होती है वो ऊपर की तरफ होता है, आकाश की तरफ, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप सीधे सीधे लेट गए जमीन पर, पीठ नीचे है, आंखें मुंह सब ऊपर है आसमान की तरफ, हथेली भी ऊपर है, ठीक है, ये हुआ हमारा सुपाइनेशन। अब प्रोनेशन जो है वो उसका जस्ट उल्टा है, यानी सुपाइनेशन का जस्ट उल्टा, यानी प्रोनेशन जो है मुंह को नीचे की तरफ करके लेटना, यानी हथेली को नीचे की तरफ मोड़ना, ठीक है। और तीसरा है इलेवेशन और डिप्रेशन। इलिवेशन का मतलब होता है उठाना, जैसे कि कंधे को ऊपर की तरफ खींचना यानी उठाना, कंधे को ऊपर की तरफ खींचना या उठाना, यानी इसमें कोण घट बढ़ नहीं रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शोल्डर ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है हमारा शोल्डर, वहाँ के भाग को ऊपर की तरफ उठाना जो होता है वो इलिवेशन होता है, ठीक है। जैसे कि जेवलिन में हम जेवलिन थ्रो करते हैं तो उसका इलेवेशन क्या होगा, यानी 45 अंश डिग्री, यानी 45 अंश की डिग्री पर हम उसको फेंकते हैं, तो कंधे को ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है, और फिर कंधे को ऊपर की तरफ उठाना तो इलेवेशन हो गया, लेकिन उसी को फिर वापस लाना, नीचे लाना, उसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, यानी इलेवेशन ऊपर उठाना, डिप्रेशन नीचे लाना, वापस कंधे को वापस नीचे की तरफ आना, ठीक है। एंड चौथा है रिट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन जो होता है शोल्डर ज्वाइंट को पीछे ले जाना, हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट से है उसको पीछे की तरफ ले जाना, रिट्रैक्शन होता है। एंड प्रोटेक्शन जो होता है शोल्डर को वापस आगे की तरफ लाना, प्रोटेक्शन होता है। एंड नेक्स्ट पांचवा है इनवर्ड रोटेशन एंड आउटवर्ड रोटेशन, यानी इसमें जो हमारा जो शोल्डर और हिप का ज्वाइंट्स है इसमें रोटेशन होता है, ठीक है। तो इनवर्ड रोटेशन यानी कि मध्य रेखा की तरफ अंग को घुमाना, यानी हमारे शोल्डर को जैसे मध्य रेखा की तरफ इस पर घुमा रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है, या हमारे पैर के जो हिप है, हिप ज्वाइंट्स है, ठीक है, उसको हम अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, तो कंधे और हिप का ज्वाइंट्स जो है अंदर की तरफ घुमाना, या मध्य रेखा की तरफ अंग को घुमाना। तो जैसे ऐसे देख अपने आप को देख लीजिए, कंधे को अंदर की तरफ घुमाइए तो कंधे अंदर की तरफ घूम रहा है, तो ये शोल्डर हिप ज्वाइंट्स जो है में इनवर्ड रोटेशन यानी मध्य रेखा की तरफ घुमाना ही इनवर्ड रोटेशन कहलाता है। और एंड आउटवर्ड रोटेशन जो होता है वो मध्य रेखा से बाहर आना, वो अंदर मध्य रेखा से अंदर की तरफ जाना इनवर्ड रोटेशन। आउटवर्ड रोटेशन जो है आउटवर्ड रोटेशन मध्य रेखा से बाहर की तरफ अंग को घुमाना, ठीक है, ये भी शोल्डर और हिप ज्वाइंट्स होता है। एंड चौथा है यानी लास्ट है सर्कमडक्शन मूवमेंट। इस सर्कमडक्शन मूवमेंट जो होता है ये रोटेटरी एंड एंगुलर दोनों प्रकार के मूवमेंट एक साथ होते हैं, इसको सर्कमडक्शन मूवमेंट बोला जाता है, यानी दोनों का मिश्रण होता है। और ये सब क्या होता है, जैसे कि रोटेटरी जितनी रोटेटरी शब्द आ गया, तो रोटेटरी जितनी मूवमेंट है वो सब जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा, ठीक है। तो सर्कमडक्शन मूवमेंट जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है।
इनका कंट्रेक्शन क्या होता है, मिश्रित होता है दोनों का, रोटेटरी और एंगुलर दोनों का क्या होता है, मिश्रित मूवमेंट होता है, दोनों एक साथ होते हैं, रोटेटरी और एंगुलर मूवमेंट एक साथ होते हैं, इसलिए इसको सर्कमडक्शन मूवमेंट बोला जाता है। तो दोस्तों ये था जॉइंट्स मूवमेंट्स के बारे में, यानी संधियों की गति के बारे में। इसमें हमने ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट एंड सर्कमडक्शन मूवमेंट के बारे में जाना। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और मूवमेंट्स की बात करें तो संधियों की गति जितने भी हैं मैंने सब इसमें समाहित किया है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों यार चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन में जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।